बेटा काका कहाँ है? काका अंदर है पापा। तुम क्यों लेकर आई हो खाना? वो ले आता ना। वो पापा खाना हमने बनाया आज। क्या कहा? खाना तुमने बनाया है? जी पापा, अपने हाथों से बनाया। खाइए ना पापा। हाँ बेटा, लेकिन बेटा मैं अपने हाथों क्या था। शुरू कीजिए पापा। हाँ बेटा। बेटा तुम नहीं खाओगी? हम भी खाएंगे ना पापा, आप शुरू कीजिए। अच्छा पापा, को हमने बहुत सोचा, हमें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए आपके साथ। आखिर आप पापा हैं हमारे, और हमें हमेशा आपसे इस तरह लड़ते नहीं रहना चाहिए। पापा, हम कोशिश करेंगे कि हम पुरानी सारी बातों को भूल जाएं और फिर से सब कुछ शुरू करें। चित्रा बेटा, खाइए ना पापा। हाँ बेटा। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है, सच कमाल कमाल। एक बात बताओ बेटा, तुम तो अपनी माँ से भी अच्छा खाना बनाती, सच बहुत स्वाद है। क्या कहा पापा? तुम अपनी माँ से भी अच्छा बनाती हो खाना, बहुत मजा आ रहा है। कर दी ना पापा, फिर से आपने वही बात, आप जैसे थे वैसे हैं और हमेशा वैसे ही रहेंगे। गलती तो हमसे हुई है, हमने कोशिश की आपसे बात करने की, जब हमारी मम्मी जिंदा थी तब भी आप इसी कोशिश में रहते थे कि किसी भी तरह उन्हें नीचा दिखाएं, और आज जब वो हमारे बीच में नहीं है तब भी आप कोई मौका नहीं छोड़ते उन्हें छोटा दिखाने का। और एक बात और, हमारी मम्मी दुनिया में सबसे अच्छा खाना बनाती थी। गॉड से पापा, हमारी मम्मी को छोटा दिखाना बंद कीजिए प्लीज पापा प्लीज। बेटा बेटा, हमारा वो मतलब नहीं था बेटा। तुम नहीं समझोगे बेटा, जब तुम्हारे बच्चे होंगे तभी समझ पाओगे तुम। बच्चे जब माँ बाप से बेहतर बनते हैं, उनसे आगे जाते हैं, तो माँ बाप छोटे नहीं हो जाते बेटा, वो बड़े हो जाते हैं सारी दुनिया से बेटा। जब कोई माँ बाप को बच्चों के नाम से पुकारता है तो एक आसमान सा भर जाता है उनके सीने में बेटा। तुम्हें कैसे समझो बेटा।